सो हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टू डेज प्लान फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम्स। तो यार देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसने अभी तक सेमेस्टर टू के हिस्ट्री के सिलेबस में कुछ भी, यानी इवन दो अभी तक सिर्फ किताब उठा करके नहीं देखी है, ठीक है, और लेकिन स्टिल ही इज ट्राइंग कि अगर ये एक से डेढ़ दिन का जो हमको समय मिल रहा है इसमें तुम बहुत ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर दो। तो यार मैं यही एक चीज़ को अज्यूम करके जो ना लाइक इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है समझ में, एंड दैट्स गुड। अब देखो यार, बेसिकली आई विल टेल यू, सबसे पहले तो एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, बेसिकली अभी देखो आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि सिर्फ तो सिर्फ इस वीडियो के थ्रू तुमको ये बता देगा ये कर दो ये कर दो ये कर दो, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ में साथ में बैठ करके सब कुछ करा रहा हूँगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वीडियो जिसमें हम लोग एक लाइक काइंड ऑफ दो दिन का प्लान ही रिलीज़ कर देंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाने वाला हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले तो अभी तुमको अगर एक चीज़ ना पता हो तो मैं बता दूं, अगर तुम बात करते हो साइंस की तो वो यार शायद से एक से दो दिन में नहीं सीखी जाती है। तुम अगर बात करते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक से दो दिन में सीख लो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, समझ रहे हो ना। इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जो कि तुमको समय लगता है अडॉप्ट करने में। बट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री की जैसे बोलें तो बेसिकली ये एक वो सब्जेक्ट है जिसमें तुमको एक हिस्ट्री सुननी है, और अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग में तुम अच्छे हो, अगर तुम आंसर लिख लेते हो इंग्लिश में कन्वर्ट करके, तो तुम उस स्टोरी को हिंदी में सुन करके ईजिली जो है ना आंसर आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से हिस्ट्री इज़ द सब्जेक्ट जो कि हम अभी एक से डेढ़ दिन में बहुत ईजिली कम्प्लीट कर रहे होंगे अगर तुम पूरे सेशंस में अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें वो अगर तुम कर लेते हो तो बहुत इजीली हो रहा होगा। तो यार देखो, सबसे पहले तो आज जब हम लोग 26th of April पर हैं, आज के दिन अभी कुछ एक से डेढ़ घंटे के बाद या फिर शायद से दो से तीन घंटे के बाद 8:30 बजे जो ना मेरा एक सबसे पहला तो मैराथन होने वाला है जिसमें हम लोग 3 घंटे में सब कुछ निपटा रहे होंगे। अब हम इस हिस्ट्री के मैराथन में तुमको हर एक चीज़ करा रहे होंगे, ठीक है, एकदम स्क्रैच से जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो भी तुम्हारे PYQs को एनालाइज करने के बाद हमने डिटेल्स इकट्ठी की हैं, उन सबको हम उस 3 घंटे के मैराथन में तुम्हारे पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो क्या भैया अगर हमने सब कुछ सीख लिया है नाउ वी आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस? नहीं। अब इससे भी पहले एक बात सुन लो यार, देखो अगर तुमको सबसे पहले तो जो ऐसा तुमने एक चीज़ देख रखी है ना, जब तक तुम 10th में नहीं आए थे तुमने एक चीज़ बताया तुमको कि हिस्ट्री के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है एंड में आकर के हमको पहले तो लेंदी आंसर्स लिखने हैं, तो इसमें हमको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भैया हम ऐसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको लगता है समय कम है तो टाइम मैनेज कैसे करना है। इसलिए मैंने एक घंटे में 2 सैंपल पेपर वाला सेशन अनअकैडमी पर लगा रखा है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, उसको तुम देख लेना। अगर मैं इस वीडियो को पहले ड्रॉप कर रहा हूँ तो 6 बजे सेशन होने वाला है, उसको अटेंड कर लेना। 1 घंटे में 2 सैंपल पेपर यानी 3 घंटे का काम 1 घंटे में हम लोग उसमें करने वाले हैं, यही करते हैं भाई हम, ठीक। तो यार देखो, बेसिकली यहाँ से जैसे ही तुमने ये चीज़ें अपनी कंप्लीट करी, अब तुमको पता है कि कैसा सैंपल पेपर होता है, कैसे तुमने पूरा सिलेबस कर रखा है। अच्छा, इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज, रात के 12 बजे मेरा जो ना एक और सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे तुम्हारे पूरे के पूरे स्पेसिमेन पेपर को, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि भाई साहब किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड होने वाला है, ठीक है, और प्लस जो है ना तुम्हारा आंसर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली हमको कैसे करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस को भी डायरेक्टली लेकर के आ रहा हूँगा, ठीक है। तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई साहब किस तरीके का आंसर रिप्रेजेंटेशन होगा। ये तो हो गया तुम्हारा आज का सीन। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ द नेक्स्ट डे जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले वाला दिन है, 27 तारीख। अब इन दिनों भैया हम लोग क्या कर रहे होंगे, कल का जो दिन है ना इसके दिन हम लोग क्या कर रहे होंगे। देखो यार, सबसे पहले तो जो भी वीडियोज़ आएंगी तुम्हारी अलग से वो तो ड्रॉप की ही जा रही होंगी, समझ रहे हो, उनको तुमको देखना ही देखना है। बट द पॉइंट इज़ जो दो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेने वाला हूँ, सोचना और समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो मैं यार तुमको कल के दिन जो ना नए अच्छे तरीके से बनवाए हुए जो कि अभी काम पर हैं, जो चीज़ें अभी बन रही हैं, मैं तुमको हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत से लोग उनको बेमतलब में यार पेड करके बेच रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ हम उससे भी 1000 गुना अच्छी क्वालिटी में हैंड रिटन में ही तुमको दिखा देंगे, दैट हैंड रिटन में भी एक क्या ही ऊपर लेवल की क्वालिटी होती है, ठीक है। वो चीज़ जो है ना पहले तो मैं तुमको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ एक तुमको सबसे पहले तो देखनी है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट तुमको उन सारे नोट्स को देख लेना, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद क्या होगा, आज मैंने मैराथन लगा रखा है, लेकिन कल मैं उन्हीं नोट्स के थ्रू जो कि हम बना रहे हैं, वी नो अबाउट इट, हम अभी बना रहे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और फिर हमने सारी चीज़ें जो भी समझ लो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें इंक्लूड कर रखी है, उन पर डिस्कशन क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, कैसे आपको किस पॉइंट को पकड़ना है, उसके रिगार्डिंग कल मेरा एक सेशन होगा जिसमें हम लोग हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पूरा का पूरा हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे होंगे विद इन 2 आवर्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे पूरी प्रिपरेशन पर समझ लो ना सोने पर सुहागा, ये वाली चीज़ है वो।
अच्छा उसके बाद अब तुम पूरी चीज़ों से डन हो, तुमने देख लिया है कैसे हैंड रिटन नोट्स जो है ना तुमने ले लिए हैं, उसके बाद तुमको कैसे उन हैंड रिटन नोट्स को यूज़ करने का, तुमने पूरा लाइक रिवीजन भी कर दिया। अच्छा उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर प्रैक्टिस अगेन, ठीक है, क्योंकि तुमको आंसर राइटिंग वगैरह सीखनी है। तो उसको लेकर के मेरा अगेन एक सेशन होने वाला है अकेडमी पर, ठीक है, जिसमें मैं तुमको लाइक आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ कि कल के दिन जब तुमको लाइक आंसर हिस्ट्री के लिखने हैं, बहुत तरीके होते हैं भाई एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के। तो आंसर राइटिंग करनी कैसे है, हाउ टू राइट अ बेस्ट आंसर जो कि तुम्हारे एग्जामिनर को पसंद आए, जो भी तुम्हारे लिए बेसिकली CISE के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा आंसर हो, कैसे वो वाले आंसर देखने हैं, उसको रिगार्डिंग हम लोग लाइक बात कर रहे होंगे इन टू दी अनअकैडमी सेशन। उसकी लिंक भी मैं जो है ना अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइक रिलीज कर दूंगा। अच्छा उसके बाद भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो यार तुम्हारी प्रैक्टिस इज लाइक स्टिल लेफ्ट, अभी तक तुमने जो ना प्रैक्टिस नहीं की, एक लाइक काइंड ऑफ रैपिड प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसके लिए मैं कल के दिन एक तुम्हारा 200 MCQ वाला मैराथन सेशन लगाने वाला हूँ। इसमें हम लोग विद इन 2-3 घंटे के अंदर अंदर 200 MCQ सॉल्व करेंगे। 200 इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है, 200 MCQ इज़ नॉट अ जोक, ये चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। 200 MCQ मैं फिर से बार बार इसलिए एग्जैजुरेट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि सच में एक बहुत हाइप्ड अप चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग 200 MCQ को सॉल्व करेंगे और वो भी अगेन लाइक समझ रहे हो, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसको तुम सॉल्व कर लेते हो फिर मैं कह सकता हूँ कि जब तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो कर रखी हैं इन टू द लाइव रिकॉर्डिंग में, यार करने का कोई मतलब नहीं होता, सच बता रहा हूँ। अगर तुम अभी भी आकर के रिकॉर्डिंग प्रेफर कर रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रणय मिश्रा तुमसे ये बोल रहा है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो अगर तुम अभी भी रिकॉर्डिंग पर जा करके रिलाय कर रहे हो, क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत होती है। उसमें अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो तुम जो है ना टोटली ब्रेक ले लोगे सेशन से। अगर मैंने एक मिनट का ब्रेक लिया ना लाइव में, तो जब तुम रिकॉर्डिंग में देखोगे तो जब तुम उस ब्रेक पर आओगे ना तो तुम टोटली ब्रेक ले लोगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सो इट इज़ सजेस्टेड प्लीज़ लाइव पर मेंटेन रहें एंड यू नो अबाउट इट। ये चीज़ मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हमसे अच्छा क्वालिटी कंटेंट भाई यहाँ पर कोई भी हो नहीं ला सकता, ठीक, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो यार देखो अब यहाँ से जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तब जा करके यू कैन से दैट येस यू आर प्रिपेयर्ड, तब जा करके मैं कह सकता हूँ कि मैंने तुमको 100% प्रिपेयर कर दिया है, और फिर जा करके जो ना सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से हो रही होंगी। सो आई होप सो कि तुम सब लोग जो ना उस पूरे सेशंस में रह रहे होगे। इट इज़ सजेस्टेड टू यू, हिस्ट्री इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको प्लीज़ हाथ से मत निकलने दो, इसको तुम बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो अगर तुम ये पूरा कंटेंट फॉलो करने को रेडी हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है एंड इफ़ यू आर रेडी टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, मुश्किल से 10 घंटे की क्लासेज हैं, तो अगर तुम इनको लगा लेते हो देन आई कैन से दैट्स फॉर श्योर तुम जो है ना पूरा बोर्ड एग्जाम मचा करके आ रहे होगे। तो आई होप सो, लाइक आई एंटिसिपेट फॉर योर प्रेजेंस टू बी देयर, एंड दैट्स ऑल। अब रखते हैं इस वाले सेशन में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग सेशंस में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, हसल हार्ड, CKOP।